नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खबरों से पहले जीवन की तीन महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है ज़रूरी। इन अहम बातों के साथ नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चित्रकूट महोत्सव 2021 का उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने किया शुभारंभ। महोत्सव में फैशन शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। विश्व श्रवण दिवस पर महारानी अस्पताल में जागरूकता शिविर का हो रहा आयोजन। वन विभाग द्वारा जंगल को आग से बचाने की कवायद शुरू और कालीपुर अटल आवासी गंदगी के बीच जीने को मजबूर। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले के ऐतिहासिक चित्रकूट जलप्रपात के समीप 9 मार्च से 11 मार्च तक आयोजित 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का शुभारंभ उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने किया। हेलीपैड मैदान में आयोजित समारोह में मां दंतेश्वरी की छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ ही 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाने में चित्रकूट का विशेष महत्व है। चित्रकूट जलप्रपात अपनी सुंदरता और विशिष्टता के कारण देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। उन्होंने चित्रकूट महोत्सव को विशेष पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। इसके साथ ही यहाँ वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ भी किया गया। इस अवसर पर हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष सह विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, जनपद अध्यक्ष लोहंडीगुड़ा महेश कश्यप, महापौर सफीरा साहू, अध्यक्ष नगरपालिक निगम कविता साहू, कलेक्टर रजत बंसल, पुलिस अध्यक्ष दीपक झा सहित गणमान्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। इस अवसर में कांगेर वैली नेशनल पार्क के लोगों का भी विमोचन किया गया। विश्व श्रवण दिवस के तहत कान की देखभाल करने के लिए जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन स्थानीय महारानी अस्पताल में 3 से 10 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान जितने भी श्रवण बाधित मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं उनका नामांकन कर उपचार किया जा रहा है। अधिक उम्र वाले मरीज जिनकी श्रवण शक्ति कम हो गई है उन्हें जाँच के पश्चात मशीन भी प्रदान किया जा रहा है। अब तक 6 श्रवण मशीनों का वितरण हितग्राहियों को किया गया है। इस दौरान अब तक 70 मरीजों में 3 से 40 मरीजों के श्रवण शक्ति की जांच की जा चुकी है। श्रवण बाधित बच्चों की भी जांच की जा रही है और उन्हें उचित उपचार के लिए मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ऑडियोलॉजिस्ट प्रतिभा साहू ने बताया। मेरा नाम प्रतिभा साहू है, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पे हम लोग श्रवण दिवस के उपलक्ष्य में अभी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं ना। श्रवण दिवस में 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे, तो उसके चलते हम लोग अभी मरीजों को जिसमें से 70 मरीज देख चुके हैं, 70 मरीजों में से 30-40 लोगों का हियरिंग चेकअप हो चुका है, जिसमें ये पता चल रहा है कि बच्चे को कितना सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है। जैसे बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग 60 साल से ऊपर जो हैं उनको कम सुनाई देता है। उम्र के चलते चलते जैसे कान का नस सूखता है, जैसे दिखाई देना कम होता है, सुनाई देना कम होता है, वैसी तो हम लोग यहाँ पर करीब 30 से 40 पेशेंट को देख चुके हैं। वन विभाग द्वारा 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन के तहत जंगल को आग से बचाने के लिए अनेक सावधानियां बरती जाती है, जिसके तहत बीट गार्ड से लेकर CCF तक जंगल को आग से बचाने के कार्य में संलग्न रहते हैं। यह देखने में आता है कि बस्तर के जंगलों में महुआ बीनने के लिए या फिर जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए कुछ लोग जंगल में आग लगा देते हैं और यह आग फैलकर जंगल को नुकसान पहुँचाती है। वर्तमान समय में जंगलों को आग से बचाने के लिए सैटेलाइट के माध्यम से भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए मुख्य वन संरक्षक
शाहिद खान ने हमारे संवाददाता को बताया। फायर सीजन शुरू हो गया 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन होता है, और इसमें फायर सीजन शुरू होने के पहले ही जो है काफ़ी व्यवस्थाएं जो है की जाती हैं। सभी जितनी बीट हैं हमारी, हर बीट में एक फायर वाचर लगाया गया है। साथ ही साथ जो है लाइन की कटाई की गई है, फायर लाइन जो है साफ़ की गई है, रोड के किनारे किनारे जो है फायर लाइन जो है बनाई गई है, सफाई की गई है, कटाई की गई है, कटाई करने के बाद उसको जो है जलाया गया है। इसी तरीके से प्लांटेशन के जो वृक्षारोपण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है फायर लाइन जो है जलाई गई है, कटाई गई है, और ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और साथ ही साथ जो है इसमें जितने भी जो है बीट हैं हमारे, उन बीट में चौकीदार को बैठने, फायर वाचर को बैठने के लिए हमने एक उनको झोपड़ी जो है बनवाया है। दो, एक बीट में दो झोपड़ी जो है बनी है, जहाँ पर जो है दिन में, क्योंकि गर्मी का सीजन है, अगर जो है फायर वाचर को जो है बैठने की जगह नहीं होगी तो वो फिर जो है अपने घर जो है भाग के जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर बीच में जो है दो झोपड़ियाँ बनाई गई हैं, वहाँ पर जो है बैठ के, और पानी की व्यवस्था है वहाँ पर, बैठ के जो है वहाँ पर उसको अपना आराम कर सकता है। जब जो है ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय जो है वो करता है। इसके साथ ही साथ जो है हमने, चूँकि हमारे पास सभी रेंजेस में स्ट्राइक फोर्स की गाड़ियाँ हैं, उसमें दो चौकीदार और स्टाफ शाम को जो है उसमें उनको सबको निर्देश हैं 4 बजे जो है वो जंगल में जो है निकलेंगे, और 4 से आवश्यकता अनुसार कम से कम 11 बजे तक जो है घूम के पूरे अपने रेंज का जो है चक्कर लगा के जो है वापस आएंगे, जिससे रात में उनको अगर कहीं पर भी जो है कोई घटना होती है तो उनको दिखाई जाता है, दिखाई देगा, और वहाँ पर जो है तत्काल उसको उसकी जो है बुझाने का काम जो है कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ हमारे पास जो है एक फायर अलर्ट का भी जो है सूचना जो है हमको प्राप्त होती है। हमारे जितने भी जो है बीट के प्रभारी हैं, बीट गार्ड हैं, रेंज ऑफिसर्स हैं, डिप्टी रेंजर्स हैं, SDO हैं, DFOs हैं, इवन हमारे पास सबके पास जो है फायर अलर्ट्स आते हैं। दो जगह से आते हैं, एक देहरादून FSI से, और दूसरा जो है FMIS रायपुर से आता है। तो ये दो जगह से हमारे पास अलर्ट आते हैं। SMS आता है जिसमें पूरी जो है किस जगह पर जो है आग लगी हुई है, कौन सा कंपार्टमेंट है, कौन सा बीट है, ये पूरी जानकारी रहती है। उसके हिसाब से इसकी सूचना जो है हम इसको रिडायरेक्ट करते हैं और इसको मॉनिटर करते हैं कि अगर जो है आग लगी थी तो बुझी नहीं बुझी, ये भी जो है फीडबैक हम लेते हैं, और ये फीडबैक हमको जो है वापस देहरादून भी जो है भेजना होता है, और रायपुर जो है FMIS भी जो है भेजना होता है कि अमुक जगह पर जो अलर्ट हमारे पास आया वो सही था, हमने जो है बुझा दिया, इतनी जो है इतने क्षेत्र में आग लगी। और या अगर जो है कई बार ऐसा भी होता है कि जंगल से लगे हुए एरिया में कहीं पर आग लगती है तो वहाँ पर जो है उसमें अलर्ट तो आ जाता है, क्योंकि अलर्ट में तो ये है कि जहाँ पर जो है आग दिखी, गर्मी जो है हुआ, उसके बाद जो है सैटेलाइट जो है डिटेक्ट कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है ये भी जो है बताते हैं, कई बार जो ऐसा भी होता है कि नहीं, ये फॉरेस्ट एरिया में नहीं था, फॉरेस्ट के बाहर जो है जो एग्रीकल्चर लैंड में था, जहाँ पर जो है उनके खरपतवार जो है जल रहे थे, वो भी सूचना जो हम दे। तो फीडबैक हमारा जो अनिवार्य है, जितने भी जो है अलर्ट आते हैं उनके फीडबैक भी हमको देना होता है, वो हम बराबर जो है लगातार जो है ये फीडबैक देने का काम भी जो है हम करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है काफ़ी सुविधा जो है हो जाती है पता करने में कि कहाँ पर किस समय आग जो है की घटना हुई है, और जिसके कारण जो है आसानी से जो है उसको हम बुझाने का काम भी कर सकते हैं। कालीपुर अटल आवास निवासी गंदगी के आलम में जीने को मजबूर है। कई बार शिकायत के बावजूद स्थिति नहीं सुधरने से अब लोग इसकी शिकायत करना भी छोड़ दिए हैं। हालांकि नगर निगम द्वारा कालीपुर के कई मकानों को सुधारने का कार्य भी किया गया, लेकिन सेप्टिक टैंक के आउटलेट और टूटे हुए नल पाइप आज भी यथावत क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं। उन्हें अब तक नहीं सुधारा गया है। नालियों की सफाई भी नियमित नहीं हो रही है।
कचरे से पटी नाली के ऊपर बर्तन रखकर स्थानीय निवासी पानी भर रहे हैं और कपड़े भी नाली के पास धो रहे हैं, जिससे जल जनित रोग फैलने का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में स्थानीय निवासी महिला ने बताया, मेरे घर सामने इतना गंदा है, मेरे को रहने की नहीं भर है पास नाली, ये नाली कचरा डाल दे रही दराज जा रहा मेरा ना झगड़ा कर। सेप्टिक लैट्रिन चौक हो गया है वो सुधारी के लिए, सेप्टिक लैट्रिन का आउटलेट चौक हो गया है। हाँ वो भी उन लोग कभी कभी पैसा सब लोग मिल के उसको ठीक करते हैं, मतलब अभी तोड़ के साफ कर दिया, फिर उसको बनाने के लिए फिर पैसे सब चंदा करके उन लोग से बनवा रहता है। इसको ये पाइप ठीक करना है जी, देखो ना ना ये इस टंकी के पास में वो नल है, तो मतलब नहाने के लिए कपड़ा धोने के लिए बर्तन के लिए सबके लिए ले रहे हैं ना, उतना अच्छा नहीं लग रहा वो पाइप को थोड़ा बनाने के लिए। यहाँ ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। कोतवाली पुलिस को गंभीर रूप से घायल कर 2 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल सिंह ठाकुर ने 6 जनवरी 2019 को अमित शर्मा के विरुद्ध कोतवाली थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि रमैया वार्ड निवासी अमित शर्मा उसके पुत्र के साथ गाली गलौज कर चाकू से वार कर गंभीर चोट पहुंचाया है। सिटी कोतवाली पुलिस दल द्वारा लगातार आरोपी की तलाश की जा रही थी। पुलिस को आसान आता मार्कोनी में होने की जानकारी मिलते ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
एकामेटा गांव के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर उचित मूल्य के राशन दुकान संचालक द्वारा हितग्राहियों को विगत 3 माह से अनाज, शक्कर, चना वितरित नहीं किए जाने की शिकायत कलेक्टर से की। ग्रामीणों का कहना है कि इसके पूर्व उचित मूल्य की दुकान संचालक के द्वारा नियमित रूप से ग्रामीणों को अनाज, शक्कर, चना का वितरण किया जा रहा था, लेकिन संचालक बदलने के बाद से लोगों को सही ढंग से अनाज नहीं मिल रहा है। आइए सुनते हैं शिकायत करने पहुंचे ग्रामीण महिलाओं ने हमारे संवाददाता से क्या कहा। राशन नहीं मिल रही ना, राशन का जिलू स्वामी राशन बीता देते रहे, अब राशन बीता नहीं दे, आगे माट तेल बोल रहे ने देश बोल रहे नहीं दे नहीं आए सर लिस नहीं लिस ऊपर ले बोलवा मचना संतरा है पाकली कौन गांव ले टेका मेटा ले काय समस्या धरू नीला सा आ सब गांव ने राशन मिरे बाबू आमच गांव ने काय प्रॉब्लम होली नी मिरे 3 महीना तक होली असन हो आगे मिलते रहे अब नी मिरे काय बोले सर राशन ए तुम च चाउर आपस होली तुम च चाउर नी ली एउ रली आपस गेली बोलते रुआ गेले ने तो ई लो चाउर कसन ने आपस जावा है तुम च खुजी है कौन गांव ले टेका मेटा काय समस्या आसे राशन पानी चास जानो तो नी का जे कलेक्टर लग जाऊं दो कु काय समस्या सांगे दे बोलुन बातिली लुएता तो अर्जन राशन जाओ राशन ने गेले वाले सोजे चाउर के दिवाय शक्कर नी दिवाय ना माटी तेल नी दिवाय माटी तेल चो तो नाम है नो आए कोई लेज भी का मन जान सांग लाई जाते रहो शक्कर तो नी मिरे कौन महीना मिरु है कौन महीना नी मिरे मुरे देव ना पहले जो बीता तो पारा पारा सांगुक जाए और जन चाउर का जिया बोलते रहे ये तो 1 तारीख के खोलवाए के भी खोलवाए जाले हम जो जा तो दिने के भी बंद रुआए। चितापुर गांव के 22 ग्रामीणों ने लॉकडाउन के दौरान माड़पाल और गजहागुड़ा प्लॉट में लगे सागौन के पेड़ों की छटाई का कार्य किए थे, जिसका भुगतान अब तक मजदूरों को वन विभाग द्वारा नहीं दिया गया है। यह सभी मजदूर सोमवार को शिकायत करने बस्तर वन मंडल अधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान इन मजदूरों ने हमारे संवाददाता से चर्चा के दौरान बताया। क्या नाम है? बनिया। कौन गांव का? चितालूर। काय के लाया हो? ये पैसे के लिए है। क्या का पैसा? जंगल डिपार्ट में काम किए थे। कब किए थे? हो गया लॉकडाउन समय। ऐसा? कितने दिन काम किए थे? हो जाएंगे हम लोग 22 जन। ऐसा क्या काम किए थे? शिवलिंग चटाई किए थे। अच्छा, तो कितना था रोजी आप लोग का? 270। कितना दिन का नहीं मिला? एक सप्ताह। किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला है। अच्छा, गड्ढा भी खोदे थे क्या? गड्ढा भी खोदे थे। तो उसका मिल गया पैसा? वो आधा रुका है वाला। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चित्रकूट महोत्सव 2021 का उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने किया शुभारंभ। महोत्सव में फैशन शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। विश्व श्रवण दिवस पर महारानी अस्पताल में जागरूकता शिविर का हो रहा आयोजन। वन विभाग द्वारा जंगल को आग से बचाने की कवायद शुरू और कालीपुर अटल आवासी गंदगी के बीच जीने को मजबूर। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। नमस्कार।